गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप लोग सब ठीक हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें और बिल्कुल ध्यान से सब काम करें, पढ़ाई ज़रूर करें। ओके, सो हमारा चैप्टर था अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो हमने रीड किया, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम निकाल किए थे, और अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम करेंगे। ओके, सो तो आपके क्वेश्चन जो हमने कल किए थे वो थे, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार, एक प्लैनेट जो है वो स्टार से किस तरह अलग है, व्हाट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या होता है, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूरज से जितनी दूरी पर जो भी प्लैनेट है उसके हिसाब से उनका नाम लिखें, जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे। ओके, सो आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ जो है उसको एक अलग तरीके का प्लैनेट क्यों कहा जाता है। ओके, तो जैसे कि ये डायग्राम यहाँ पे दिख रही है, ये पिक्चर आपको दिख रही है, जो आपके आगे के चैप्टर्स में आपको जरूर दिखेगी, जिसमें हमने आगे पढ़ना है कि अर्थ में क्या क्या है। तो अगर हम इस पिक्चर को अच्छे से देखें तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर होता है लैंड, जमीन, हाइड्रोस्फेयर यानी कि पानी, एटमोस्फेयर यानी कि हवा। अब देखिए, जिंदा रहने के लिए हमें चाहिए पानी, हवा और जमीन, जहाँ हम रह सकते हैं। हमारे लिए ये वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, जहाँ हम रहेंगे उनके साथ में हवा मिलेगी, हमें पानी मिलेगा, जिससे कि हम जिंदा रह सकते हैं। तो अर्थ इसीलिए यूनिक प्लैनेट है क्योंकि अर्थ पे हमें मिलता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि आसपास में सब जगह है, हवा है जिसकी वजह से हम जिंदा रह सकते हैं। हमारे पास है वाटर साइकिल, जैसे कि यही नदियों में तालाबों से पानी जो है वो बादल बनता है, फिर वही बादलों से पानी वापस हम जो लैंड है वहाँ पे आता है, उस पानी को हम स्टोर करते हैं, पीते हैं, बाकी जो काम है वो सब करते हैं। उसके अलावा अर्थ जो है वो ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है, बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर है हम जैसे लोगों के लिए, मतलब जीव जंतुओं के लिए, जिंदा जो चीज़ें हैं जैसे पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, हम इंसान, हम सबके जीने के लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए वो यहाँ पे अर्थ पे पूरा टेम्परेचर है। उसके अलावा हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमारे हवा का जो जाल हमारे अर्थ के आसपास लगा हुआ है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो होता है, जो ऑक्सीजन की एक लेयर होती है उसे ओजोन लेयर कहते हैं, उसकी वजह से सूरज से आने वाली तेज गर्म हवाएं, गर्म रेज जो हैं, ठीक है, उनसे हमें वो बचाता है, जिससे कि हम जल नहीं सकते और अच्छे से रह सकते हैं। ओके, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, क्योंकि जो मून है वो हमारे अर्थ के साथ साथ उसी तरह से रोटेट करता है जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, जैसे ही उसका चेहरा हमारे सामने आ जाता है उसी टाइम अर्थ का चेहरा भी उसी के सामने आ जाता है, तो वो अपनी जगह पे भी रोटेट करता है, अर्थ के आगे पीछे भी रोटेट करता है, तो जिस तरह से अर्थ रोटेट करती है उसी तरह से मून भी रोटेट करता है। अगर आपको सिंपली देखना है तो अब आप एक काम करें, आप अपने घर में अपने किसी भाई बहन के सामने खड़े हो जाएं फेस टू फेस, फिर आप दोनों एक साथ रोटेट करें, अपनी जगह पे घूमें, स्पिन करें, तो देखेंगे जैसे ही आपका चेहरा उनके सामने आता है आपके भाई बहन या फ्रेंड जो भी हैं जिनके साथ आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं उनका चेहरा भी आपके सामने आ जाता है। तो उसी तरह से जब आप उनके साथ में रोटेट भी करेंगे, रिवॉल्व भी करेंगे, उनके आगे पीछे भी ऐसे ही घूमेंगे, वो भी घूमेंगे, तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके, सो व्हाट इज यूनिवर्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है वो क्या है। अगर हम देखें यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स हम सब जो सारे सोलर सिस्टम्स हैं जब वो मिल जाते हैं तो वो गैलेक्सीज बनाते हैं, तो गैलेक्सीज जब बहुत सारी मिल जाती हैं तो यूनिवर्स बन जाती है, जैसे कि आपके चैप्टर में ये फोटो दी है, राइट। तो ये हमारा मिल्की वे है, इस मिल्की वे में इतने सारे ये स्टार्स हैं और इन स्टार्स के आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के मून्स हैं, ये एक हमारा जो है मिल्की वे एक गैलेक्सी है जिनमें हम हमारा जो सोलर सिस्टम है अर्थ है वो आती है। आपको मैं सिंपल तरीके से समझाती हूँ, जैसे कि एक प्लैनेट होता है, राइट, अर्थ, जैसे कि हमारा एक प्लैनेट है अर्थ, अर्थ भी है एक सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे प्लैनेट्स और सन जब मिलता है तो बनता है सोलर सिस्टम।
उसी तरह से जब बहुत सारे सोलर सिस्टम्स मिलते हैं तो बनती है एक गैलेक्सी, और जब बहुत सारी गैलेक्सीज मिलती हैं तो बन जाता है हमारा यूनिवर्स। ओके, आई होप आप लोगों को अब समझ आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट आपकी क्वेश्चंस है, टिक द करेक्ट आंसर, जो आपके आंसर्स सही हैं उन्हें करेक्ट करें। तो द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज, वो प्लैनेट जो बिल्कुल अर्थ के जैसा लगता है वो कौन सा है, वो है आपका वीनस। ओके, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, अर्थ सॉरी जो सन है उससे तीसरा वाला प्लैनेट कौन सा है, कल हमने पढ़ा था इट इज अर्थ। ओके, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, और जो सारे प्लैनेट्स हैं वो अर्थ सन के किस तरह से आगे पीछे घूमते हैं, सर्कुलर भी नहीं है, रेक्टेंगुलर भी नहीं है, पूरा गोल भी नहीं है, बिल्कुल रेक्टेंगल भी नहीं है, वो एलोंगेटेड पाथ है, मतलब कि वो थोड़ा सा सर्कल जैसा पाथ है। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, जो पोल स्टार जो हमें शाम के टाइम सबसे पहला तारा दिखता है वो हमें क्या बताता है, वो बताता है हमें नॉर्थ की डायरेक्शन। ओके, सो द एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो किसके ऑर्बिट्स में हमें दिखते हैं, वो दिखते हैं मार्स और जुपिटर के। ओके, सो आपके फिल इन द ब्लैंक्स, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिलेशन। ओके, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ, इट इज मून। ओके, डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, इट्स अर्थ। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर हीट एंड लाइट। ओके, सो दैट्स योर चैप्टर, आप लोग इसे फिर से रीड करें, कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ समझ नहीं आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर किड्स, हैव अ नाइस डे।